चले हम लोग खूब ध्यान से देखेंगे। कल अनुवांशिक भी पढ़ लिए, विभिन्नता भी पढ़ लिए, समयगमी विषमयगमी लक्षण प्रारूप। अब आपको आज की जो पढ़ाई करनी है F1 पीढ़ी आज की मुख्य टॉपिक रहेगी। दूसरा आपका रहेगा उसका नाम होगा F2 पीढ़ी। सब याद कर लो F2 पीढ़ी। तीसरा आपका रहेगा प्रभावी लक्षण। और चौथा आपका रहेगा उसका नाम होगा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, ये बात आपकी रहेगी। पांचवा रहेगा जिसका नाम होगा मटर के पौधे को चुनने के लाभ। मटर के ही ना जी, मटर के पौधे के चुनने का लाभ क्यों मेंडल ने चुना था। आइए, आज इतना टॉपिक हम लोग को जिक्र करना है। जैसे देख रहे हैं क्यों हमने मटर के पौधे को चुना था, इसके पीछे राज क्या है और इसके पीछे क्या क्या मान बातें होंगी जिसको हम लोग ध्यान से आज अर्जित करेंगे। कल पढ़े तो याद करो, जब दो जनकों के बीच में संकरण होता है तो संकरण होने के बाद जिस पीढ़ी में संतान उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। याद करो सब लोग, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं कि जब दो जनकों के बीच में क्या होता है, संकरण होता है, और F1 पीढ़ी में जो संतान बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ तो संकरण उसी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लाल पुष्प है, खूब ध्यान से देखना है, लाल पुष्प है और एक सफ़ेद पुष्प है मान लीजिए। ठीक है, तो लाल पुष्प को कैपिटल RR दिखा दीजिए, सफ़ेद पुष्प को स्मॉल RR दिखा दीजिए। दोनों के बीच में संकरण कराइए तो यहाँ से एक कैपिटल R आएगा, स्मॉल R आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वह कैसा पुष्प बनेगा, लाल है सफ़ेद है, तो चाहो तो लाल दिखा सकते हो, अगर चाहे तो आप गुलाबी भी लिख सकते हो कि लाल पुष्प लिखेंगे, लेकिन जो लाल पुष्प होगा वो संकर लाल पुष्प होगा, माने दोनों की क्वालिटी इसमें उपस्थित होगी। तो जो ये पीढ़ी आपका आया है इसी को हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं F1 पीढ़ी। देखो खूब आराम से समझा आपने कि हमने एक लाल पुष्प लिया जिसको आप कैपिटल RR से प्रदर्शित करते हैं, और एक आपने क्या लिया, सफ़ेद पुष्प लिया जिसको आप स्मॉल RR से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दोनों के बीच में क्या किया गया, संकरण, तो आपको कैपिटल R स्मॉल R प्राप्त हुआ जिसको आप लाल पुष्प संकर कहते हैं, तो इसी को F1 पीढ़ी कहते हैं। याद हुआ, माने दो जनकों के बीच में जब संकरण होता है तो जिस पीढ़ी में संतान उत्पन्न होते हैं उसी पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। दो जनकों के बीच में, जैसे एक ये जनक है लाल पुष्प है, एक सफेद पुष्प है, दोनों के बीच में आपने संकरण किया कराया है, तो F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ उसी को क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। मैं जिस पीढ़ी में जो संतान बनता है उसको हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। बताओ सब लोग बता दोगे, F1 पीढ़ी याद हुआ कि नहीं आपको, संकरण होगा, संकरण कराने के बाद जिस पीढ़ी में हमें संतान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, अब F1 पीढ़ी के बाद आपके पास होता है जिसका नाम होता है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी देखो, F1 पीढ़ी में जो जीव जो उत्पन्न हुए हैं उनके बीच में जब हम लोग क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो जो संतान उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग, जिस पीढ़ी में संतान उत्पन्न होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं F2 पीढ़ी। और एक फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों होता है। फिनोटाइप तो गिन करके लिखा जाता है, और जीनोटाइप जो होता है वह जो गुणसूत्र होता है उसको देख करके हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। याद हुआ, F1 पीढ़ी सबको याद हो गया क्या, दो जनकों के बीच में संग्रह कराया जाता है, जिस पीढ़ी में संतान प्राप्त होता है उसी को F1 पीढ़ी कहते हैं। अब F2 पीढ़ी की बात हो रही है, तो F2 पीढ़ी का मतलब होता है, देखो ध्यान से, हमने कहा किया कि F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल R कैपिटल R, तो कैपिटल R स्मॉल R उन्हें कैपिटल R स्मॉल R, इसके बीच में आपको क्या कराना है, स्वपरागण कराना है। क्या कराना है, स्वपरागण। देखो स्वपरागण कैसे कराते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, जब भी आप स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण का मतलब होता है, यहाँ ध्यान देखना सब लोग, गोपाल लिखते हैं स्वपरागण हो रहा है, ध्यान से स्वपरागण जानते हैं ना, जो माने एक ही जीव के अंदर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल R है स्मॉल R है, तो यहाँ पर लिख लो,
और नीचे भी एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो इसको नीचे से नीचे लिख लो। तो इसका इसमें जब संकरण होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर स्मॉल आर, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो होगा तो स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एफ टू पीढ़ी, इसी को क्या कहते हैं एफ टू पीढ़ी। यानी सुनो ध्यान से, अगर कोई पूछे कि एफ टू पीढ़ी किसे कहते हैं तो आप सीधे कहेंगे कि एफ वन पीढ़ी के बीच में जब संकरण कराया जाता है, देखो यहाँ एफ वन पीढ़ी है ना कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जिस पीढ़ी में संतान बनते हैं उसी का हम लोग क्या कहते हैं, उसी का हम लोग क्या कहते हैं, उसी का हम लोग कहते हैं एफ टू पीढ़ी। और देखो इसमें दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक देखो एफ टू पीढ़ी में एक तो लिखा जाता है आपका फिनोटाइप, क्या लिखा जाएगा फिनोटाइप। तो सुन लो ध्यान से, फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि जो जो दिया गया है उसको काउंटिंग करना है, कितने लंबे हैं कितने बौने हैं, या अगर आप लंबे अगर आप कितने माने लाल पुष्प हैं कितने सफ़ेद हैं, काउंटिंग करके देखना आपको, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग कर रहे थे, ये भी तो लंबा होगा, दोनों आर है और ये भी लंबा लंबा होगा, क्योंकि एक कैपिटल, जब कैपिटल आर आ गया तो आप लंबा ही कहेंगे, तो ये लंबा है और ये भी कैसा है लंबा है और ये कैसा है बताओ बौना है ना, तो ये आपके तीन लंबे हो रहे हैं और एक क्या हो रहे हैं बौना, माने काउंटिंग करते हैं कितने लंबे कितने बौने, तो ध्यान रखना कितने लंबे कितने बौने हैं उसकी काउंटिंग काउंटिंग की जाती है। तो काउंटिंग करोगे तो लंबे कितने हो रहे हैं, लंबे कितने हो रहे हैं तीन, तो यहाँ पर तीन संबंध क्या लिख दोगे एक, तीन संबंध एक लिख दोगे, ठीक है। एक होता है जीनो टाइप, एक क्या होता है जीनो टाइप, तो जीनो टाइप का मतलब होता है बाबू जीन को गिनते हैं, तो समझने का प्रयास करो। ये इसका भी पेपर आने वाला है, ये तो उस समय आएगा एफ टू पीढ़ी वगैरह तो आप सब लिखेंगे। तो जीनो टाइप का मतलब ये होता है कि जीन को गिने, माने जो गुणसूत्र है उसको, जैसे आपके कैपिटल आर है कैपिटल आर संबंध है, कैपिटल आर स्मॉल आर संबंध है, स्मॉल आर स्मॉल देखेंगे कितना इसका अनुपात आ रहा है। तो कैपिटल आर देखो इसमें देख लो कितने कितने जोड़े बन रहे हैं, जैसे कैपिटल आर यहाँ भी है कैपिटल आर यहाँ पर है, एक है तो एक लिखो, यहाँ भले दो बन रहे हैं ठीक है लेकिन एक ही आप लिखेंगे, स्मॉल आर भी एक है तो एक लिखेंगे, भले दो बनेगा चार को भी होता है ना तभी आप कितना लिखते, एक ही लिखते, एक से अधिक नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर की संख्या कितनी हो रही है, तो एक लिखेंगे संबंध है कैपिटल आर, यहाँ कितनी संख्या इसकी हो रही है दो, तो दो संबंध है, फिर इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं एक, तो एक संबंध है दो, इसका कितना हो जाएगा तीन संबंध है एक, बस समझे। खाली लंबा देख लेना है बौना देख लेना है, तो लंबे आपको देखिए तीन है फिनोटाइप में, बौने कितने हैं एक है, बस उसी को लिख देना है, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल आर आ गया तो कहेंगे लंबा है, एक भी कैपिटल आर आ गया तो क्या कहेंगे लंबा है, और दोनों अगले स्मार आएगा तो कहेंगे हम लोग भावना है। तो इस तरीके से इसके बारे में क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है आपको, अब आपको मैं बताता हूँ बाबू, सबसे पहले क्या होता है ना प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण आपके पास डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं इसको प्रभावी लक्षण। तो देखो ध्यान से सब लोग सुनो ध्यान से, कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो सुनना है ध्यान से, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, जनक मतलब एक लंबा पौधा ले लो एक बौना पौधा ले लो, इसके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो एफ वन पीढ़ी में जो भी संतान मिलेगा एफ वन पीढ़ी में मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि आपने एक लंबा पौधा लिया एक बौना पौधा लिया उसके बीच में संकरण कराया, इसके बीच में क्या कराया संकरण कराया, तो संकरण कराने के बाद एफ वन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हालांकि इसी को प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, मेंडल का पहला नियम। ये पहले ही जानो कि जब एक लंबा पौधा है, कोई ज़रा जरूरी नहीं कि लंबा ही लेंगे, आप लाल सफ़ेद भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक लंबा पौधा लीजिए एक बौना पौधा लीजिए, दोनों के बीच में क्या करिए संकरण करिए, तो संकरण कराने के बाद एफ वन पीढ़ी में जो संतान दिखाई देता है, जो संतान के मैंने गुण दिखाई देती है या जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसका प्रभावी लक्षण, आज जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखो ध्यान से एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, मान लो यहाँ पर आ जाओ कि अगर कोई आपसे कहे कि आपने क्या लिया लंबा पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया, लंबा पुष्प भी कह सकते हैं आप जो भी इच्छा हो, पौधा लिया और एक क्या लिया बौना पौधा लिया, एक लंबा और एक बौना, दो आपने पौधा को क्या किया लिया, ठीक है। तो जो लंबा पौधा है उस लंबा पौधा का आपने कैपिटल टी टी लिख दिया, कैपिटल टी टी लिख दिया, और बौना पौधा को स्मॉल टी टी लिख दिया, चलो दोनों के बीच में आपने क्या कराया संकरण कराया, दोनों के बीच में आपने क्या कराया संकरण कराया।
तो संकलन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा ना, यहाँ से कैपिटल टी जाएगा, यहाँ से स्मॉल टी। इसको हम लोग कौन पीढ़ी कहते हैं, तो एफ1 पीढ़ी कहते हैं। कौन पीढ़ी कहते हैं इसको, एफ1 पीढ़ी कहते हैं। बताओ कैसा प्राप्त हुआ, यह संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब मुझे सोच के बताओ एक चीज, इसमें प्रभावी लक्षण कौन हुआ, लंबा हुआ ना। अच्छा, अधिकतर आप देखेंगे कि लंबा ले लें, बौना ले लें, तो जो प्रथम पीढ़ी में लंबा ही आपको दिखाई देगा प्रभावी होता है, और जो बौना होता है प्रभावी होता है। अगर आप लाल पुष्प ले लें, सफ़ेद पुष्प ले लें, हालांकि अभी आप पढ़ेंगे तो अलग चीज़ है, तो लाल ही होता है, लेकिन कभी कभी गुलाबी भी हो जाता है, तो उसको तापवाद के रूप में मान लिया जाता है। ठीक है, अगर गोल बीज वाला ले लें, झुड़ीदार बीज वाला ले लें, गोल का मतलब होता है एकदम गोलाकार, झुड़ीदार का मतलब इस तरीके से, इनके बीच में भी संकरण कराएंगे तो अपन पीढ़ी में देखेंगे आपके गोल बीज वाला ही पुष्प प्राप्त होगा। और गोल जो प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे, बोल प्रभावी लक्षण, और जो झुड़ीदार प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। तो समझिए लंबा क्या हो जाएगा, इसमें प्रभावी लक्षण हो जाएगा। इसमें लंबा जो, अगर लंबा बौना के बीच में जब संकरण कराएंगे तो लंबा पौधा जो होगा प्रभावी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और जो अप्रभावी की बात करेंगे तो जो बौना पौधा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी। जो बौना पौधा होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। जो बौना पौधा होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो आपने समझा कि नहीं समझा, बताइए। जब दो जनकों के बीच में हम लोग संकरण कराते हैं और F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, अगर सुनो ध्यान से, मेंडल का तो नियम आ गया आपका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ आपको बता दें। ठीक है, तब इसको नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस जिसको कहते हैं हम लोग, तो एक संकर क्रॉस हम लोग देख लें, उसके बाद से संकर क्रॉस भी हम लोग देख लें, तब उसके बाद से हम लोग जो मेंडल का नियम होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब लोग जनता जनता। अच्छा, तो एक प्रश्न आया है ना, पहले ये प्रश्न आया कि मटर के पौधों को चुनने के लिए, हम सभी लोग जानते होंगे कि जो अनुवांशिक जनक है उनका नाम है मेंडल। जो अनुवांशिक जनक है उनका नाम क्या है, मेंडल। मेंडल ने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। अच्छा, हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है, वह ग्रंथि का आकार बिल्कुल मटर के जैसा होता है, उस ग्रंथि का नाम आप बताएंगे, ये प्रश्न है, कल 11 वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो याद करना, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। उसका नाम क्या है, पीयूष। बिल्कुल मटर के दाने की तरह होता है, कान के लगे यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, इस पीयूष ग्रंथि, यही पीयूष ग्रंथि है बाबू। LH हार्मोन्स का नाम सुने थे ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो कि स्त्रियों के अंदर पाया जाता है, जो कि मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, उसी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कल पढ़ा रहे थे सब, STH का नाम आप सुने होंगे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ग्राफियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो ये भी मासिक चक्र को और जो गर्भाशय के अंदर बच्चा होता है उसके जीवा को, समझे ना। और भी हार्मोन्स होता है, एक आप पढ़े होंगे साइनोट्रापिन होता है, बेसोप्रीन होता है, मान सब जनन अंग में ही होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जो मटर का पौधा होता है ना, मटर के दाने की तरह होता है पीयूष ग्रंथि। जब मटर आया तो मैं आपको बता दिया, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं सबका वो देख रेख करती रहती है। हाँ, तो बात क्या हुई, देखो कि मेंडल ने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। आप देख भी रहे हैं, मटर के पौधे के चुनने से क्या लाभ हुआ, तो देखो कुछ उसमें बातें थी जिसके लिए उसने मटर के पौधे को चुना था। पहला ही बात थी कि मटर के पौधे जो होते हैं एक वर्षीय होते हैं। एक वर्षीय का मतलब होता है कि एक ही वर्ष में आप उसमें माने उगा सकते हैं। तो पहला उसने बात क्या कहा था कि मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है। दूसरा होता है, हाँ, मटर के पौधा को आसानी से हम लोग कहीं भी उगा सकते हैं। तो पहला तो ये बात हुआ कि मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है। दूसरा यह होता है कि मटर के पौधे को आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तीसरा होता है ना कि मटर का जो पौधा होता है वह एक ही साथ माने कई लक्षण को प्रदर्शित करता है। एक ही साथ क्या होता है, कई लक्षण को प्रदर्शित करता है। याद रखना कि नहीं सब मैंने कुछ याद रखना कि जो मटर के पौधे होते हैं एक वर्षीय होते हैं। मटर के पौधे को आसानी से आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। आसानी से कहीं भी आप इसको उगा सकते हैं, कहीं भी उगाया जा सकता है, इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा बात होती है कि जो मटर के पौधे सुनते रहते हैं ध्यान से, जो मटर के पौधे होते हैं वह माने एक साथ कई लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। एक साथ माने जो होते हैं कई लक्षण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में कोई पूछेगा
तो बता सकते हैं एक साथ कई लक्षण को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। चौथा आप कह सकते हैं कि मटर के जो पौधा होता है उसमें स्व परागण की क्रिया पाई जाती है। किसी क्रिया स्व परागण की क्रिया पाई जाती है, अगर इसके बारे में कोई पूछेगा तभी बता सकते हैं। मटर का जो पौधा होता है उसमें पर परागण की क्रिया पाई जाती है, अभी बता सकते हैं। पर परागण की क्रिया कहाँ होती है, पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बाबू, मटर के पौधे में। सब कुछ क्वालिटियाँ होती है, और कुछ होता है क्वालिटी। हाँ तो ये भी लिख सकते हैं, अच्छा हुआ। इधर लिख सकते हैं कि मटर का जो पौधा होता है द्विलिंगी होता है, और कई क्वालिटी होता है। हाँ तो तभी द्विलिंगी होता है, ठीक है। ये मटर के जो पौधे होते हैं इसके चुनने की कुछ बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर मटर के पौधा को मेंडल ने अपने प्रयोग में चुना था तो क्यों चुना था, सबका रीजन आप यहाँ पर लिख चुके हैं। इस रीजन के कारण उसने मटर के पौधे को क्या किया था, चुना था। देख रहे हैं कि मटर के जो पौधा होता है एक वर्षीय होता है। मटर के पौधे को हम लोग आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं। जो मटर के पौधे होते हैं उसमें मैंने स्व परागण की क्रिया क्या होती है, पाई जाती है। ये सब मटर के जो पौधा होता है द्विलिंगी होते हैं। आप इसके बारे में कोई आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं। चलिए इसके बाद से अब आपके पास हम लेकर चल रहे हैं कि एक संकर क्रास या एक संकर जो संकरण होता है किसे कहते हैं। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। बोले मिटा दे इसको, जितना आप पढ़े देख लेना ध्यान से। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं एक संकर संकरण की जब बात करेगा तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। एक संकर संकरण या इसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रास, एक संकर संकरण या एक संकर क्रास। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में क्या बताएंगे। अगर आप दो पुष्प लेते हैं और दोनों पुष्प के केवल एक गुण को, केवल एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब संकरण कराते हैं तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। दो पुष्प लिए, मान एक पुष्प लंबा है तो एक पुष्प क्या है, बावना है। तो एक ही लक्षण आप ले रहे हैं, लंबा और बावना की ले रहे हैं। या आप चाहे तो एक पुष्प है जो कि लाल कलर का है, एक सफ़ेद कलर का है, उसके एक ही लक्षण को आप ले रहे हैं। या कोई पुष्प लिए, एक गोल है एक झुरीदार है, एक ही लक्षण को ले रहे हैं। तो सिंपली बात है कि जब दो पुष्प लें, दोनों पुष्पों के केवल एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण। क्या कहेंगे उसको, एक संकर संकरण। क्या कहोगे कि जब एक लक्षण को या एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब संकरण कराया जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक संकर संकरण कहते हैं। ध्यान से इतना माने जब सिंपली बात है कि केवल एक लक्षण को ध्यान में रख करके एक अनुवांशिक, सबको याद होना चाहिए बाबू, एक अनुवांशिक जो लक्षण होता है इस एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब पुष्पों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो इसको एक संकर संकरण कहते हैं। इसके देखिए उदाहरण, इसका जो माने उदाहरण की बात होगी तो उदाहरण हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपने लाल पुष्प लिया और एक का लिया सफ़ेद पुष्प लिया। तो लाल के तो आप कैपिटल आर आर से लिख लेंगे, सफ़ेद को आप क्या लिखेंगे, स्मॉल आर आर से लिख लीजिए, और दोनों के बीच में संकरण करा दीजिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर आगे गुलाबी पुष्प बनेगा। कैसा बनेगा, गुलाबी पुष्प। देखिए ये पहला आपका उदाहरण हुआ। तो एक ही माने एक ही लक्षण को ध्यान में रखा गया है कि एक है लाल पुष्प है और एक क्या है सफ़ेद पुष्प है, कि जब एक लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। ध्यान से समझ जाते हैं। अच्छा दूसरा का आप क्या कह सकते हैं कि एक लंबा पुष्प आप ले लीजिए, लंबा पुष्प आप ले लीजिए और एक कौन पुष्प लेंगे, बावना, और एक बावना पुष्प ले लीजिए। तो लंबा के क्या लिख सकते हैं आप, टीटी लिख सकते हैं। टाल माने लंबा होता है इसलिए टीटी से दिखा दीजिए, बावना का स्मॉल टीटी से दिखा दीजिए। जब इसमें संकरण हुआ तो एक आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो इसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, इसको अभी क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। यहाँ से जो बनेगा वो संकर लंबा पौधा आपका बनेगा, ठीक है। चलो ये तो बात आपकी सही नहीं, लेकिन ये सब एफ1 पीढ़ी होता है, ठीक है ना। एफ1 है ये भी क्या होता है आपके, एफ1 होता है। अब एक बात आपको सीधा जानना है नोट पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेंडल ने आपने तीन नियम दिया था ना, पहला प्रतिकरण के नियम, दूसरा जो होता है पहला तो प्रभाविता के नियम है, दूसरा प्रतिकरण के नियम है, तीसरा आपके स्वतंत्र। तो नोट में आप जरूर याद रखिएगा चीज़ को कि मेंडल का प्रथम नियम किस पर आधारित है,
एक संकर संक्रा, संक्रा अंग्रेजी में क्रास कहते हैं, एक संकर क्रास पर आधारित है, क्रास पर आधारित है। देखो कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है आधारित है कि मेंडल के जो प्रथम नियम है किस पर आधारित है, एक संकर क्रास पर आधारित है कि डी संकर क्रास पर आधारित है। क्या कहेंगे आप, एक संकर क्रास पर आधारित। एक संकर का मतलब क्या होता है कि जब एक लक्षणों को हम लोग ध्यान में रख करके संकरण कराते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। याद हुआ सबको, बताओ मेंडल का जो तीन नियम है, तो मेंडल का जो पहला नियम है वह एक संकर संकरण पर आधारित है। मेंडल का जो पहला नियम है वह एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तुम मनकेश्वर बाबू, बताएंगे प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। कोचिंग का मतलब होता है मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं ना, जितना ध्यान से उतना ध्यान से सुनो, नहीं तो कभी याद ना हो पाएगा, बैठे ही रह जाओ। बैठना बहुत आसान है बालक, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल है। पढ़ना बहुत आसान है बालक, लेकिन पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। आप सॉल्व करके समझ भी चुके होंगे कि पढ़ना बैठ कर बहुत आसान होता है, लेकिन पेपर को अपने मन से सही सही किसी दूसरे में से देख करके छाप लेंगे तो क्या भरोसा है, गलत ही सही है। लेकिन अपने हिसाब से अगर सही सही लिखते हैं तो समझिए बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए पढ़ेंगे, जब आपके लिए पढ़ाया जाता है आप पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ज़िंदगी में कोई ऊँचाई पर जाने के लिए। नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, ये तो जमीन आपका रहेगा, आपको सेवा करने के लिए प्रयास तो करते रहिए। चलिए, तो मेंडल का जो प्रथम नियम होगा किस पर आधारित है, एक संकर क्रास पर आधारित है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण याद करो, द्विसंकर संकरण। अच्छा देखो, अब ये एक संकर देख ले, द्विसंकर का मतलब क्या हुआ, दो अनुवांशिक लक्षण लेंगे, दो। जैसे अभी आप एक संकर में कहा किए थे कि एक मान लीजिए कि आपने क्या लिया, लंबा लिया, एक बौना लिया, अब इसमें डबल लेंगे बाबू, क्या लेंगे, डबल। डबल का मतलब होता है कि एक लंबा लेंगे एक बौना लेंगे, एक तो ये हुआ, एक लाल लेंगे एक हरा लेंगे या सफ़ेद लेंगे, डबल आप लेंगे एक साथ दो लक्षण को। इसमें इसके पहले कहा था एक एक लक्षण, या तो लंबा बौना ले लीजिए, या मान लीजिए कि गोल झोड़ीदार ले लीजिए, या लाल हरा ले लीजिए, इसमें आप डबल लक्षण को एक साथ लेकर आए, समझ रहे हैं ना। माने जो आपके द्विसंकर संकरण का कहते हैं, तो जब जब इसमें माने दो अनुवांशिक लक्षण लेते हैं, दो अनुवांशिक लक्षण कितने, दो अनुवांशिक लक्षण को जब हम लोग लेकर के क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। दो अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब संकरण कराते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, या इसी को द्विसंकर क्रास भी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें नोट पॉइंट में पहले ही जानकारी दे देते हैं आपको कि मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का द्वितीय नियम, ठीक है, तथा मेंडल का द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम किस पर आधारित है भाई, द्विसंकर क्रास पर आधारित है, क्रास पर आधारित है। मेंडल का जो आपका द्वितीय नियम है और तृतीय नियम जो है द्विसंकर क्रास पर क्या है, आधारित है, सबको याद होना चाहिए। अच्छा, आप दोनों को अपने उदाहरण से बता दें, आपको बताया गया ना कि जब दो अनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके जब हम लोग संकरण कराते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं द्विसंकर संकरण। तो देखो इसके बारे में अगर बताएं हम आपको, तो एक लंबा पौधा ले लेंगे, मैं ऐसे लिख सकते हैं लंबा लाल पौधा लिख सकते हैं भाई, डबल लक्षण ले रहे हैं ना, एक तो लंबा ले लिए, एक आप लाल ले लीजिए, डबल लंबा ले लिए लाल ले लिए। तो लंबा को आपको याद होगा कि कैसे प्रदर्शित करते हैं, लंबा को आप अगर टी लिखते हैं टाल तो टी टी हो जाएगा, और जो रेड होता है उसको आर आर से लिखते हैं। अब इसी का विपरीत लिखते हैं बाबू, स्मॉल में करके लिखते हैं, लंबा है तो बौना लिखो, बौना लिख लो, यहाँ का लिखोगे लाल है तो सफ़ेद लिख लो, और फिर क्या लिख लो, पौधा। चलिए अब क्या होगा इसके साथ, जब आप इसको तो स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से, और इसको क्या होगा, स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। जब संकरण होगा तो सब में संकरण होगा, यहाँ से काका निकल कर आएगा, तो एक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें जो आपका बना हुआ है उसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा संकर लंबा
गुलाबी लिखोगे कि लाल लिखोगे, जो इच्छा। चलिए लाले लिख लीजिए पौधा, ठीक है। तो देखो यही आपका होता है, ये F1 पीढ़ी है, ठीक है ना, F1 पीढ़ी है। अगर आपको F2 पीढ़ी में दिखाना होता तो F2 पीढ़ी का मतलब क्या होता है, स्वपरागण कराते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं इतना है ना, इतना से स्वपरागण कराएं, किसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर गुणे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, जब इसमें आप स्वपरागण कराएंगे तो कहाँ होगा, माने अब F2 पीढ़ी के लिए कहाँ बनेंगे। तो देखिए ऐसे आपको कम से कम कितने खाने बनाना पड़ेंगे, चलिए 16 को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल आर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। खैर इसकी अब जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो मेंडल के दोनों नियम, जो माने मेंडल का प्रथम नियम था तो वो एक शंकर क्रास पर आधारित था, मेंडल का द्वितीय और तृतीय जो नियम है वह द्वि शंकर क्रास पर आधारित है। द्वि शंकर याद हुआ सबको कि जब दो अनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वि शंकर संकरण कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वि शंकर संकरण कहेंगे। चलो आते हैं बाबू हम लोग मेंडल के प्रभाविता के नियम, माने मेंडल का पहला नियम का हम लोग जिक्र करेंगे, पांच मिनट बिता दें इसको। चलिए तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू मेंडल के नियम, आप भी पढ़िए, टीचर बनिएगा, अच्छा लगेगा आपको बायोलॉजी का, हालांकि लड़कियां बायोलॉजी के टीचर बनती है, पीछे नहीं रहती हैं। चलिए तो मेंडल के पहले आपको थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ मेंडल का नियम। मेंडल ने आपको याद होगा कि मटर के पौधे पर बड़ा जिक्र किया, लगभग कई सालों तक कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उसने कहा, उसने अपना तीन नियम दिया। तीनों नियम को पहले मैं लिख देता हूँ, ध्यान से आप याद रखेंगे। पहला जो नियम होता है उसको हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम। मेंडल का जो पहला नियम है कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम, मेंडल का पहला नियम। दूसरा होता है आपका जिसका नाम होता है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, सबको याद होना चाहिए पृथक्करण का नियम। तृतीय जो नियम होता है उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यहन का नियम। चलिए ये तीन नियम आपके हैं, तीनों एक पास लिख दिया गया। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मेंडल के कितने नियम होते हैं तो सीधे आप कहेंगे मेंडल के तीन नियम होते हैं, एक होता है प्रभाविता का नियम, एक होता है पृथक्करण का नियम, एक होता है स्वतंत्र अपव्यहन का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, सबको याद भी होगा प्रभाविता के नियम का मतलब। याद हुआ तो चलो मेंडल के तीन नियम है, तो पहला नियम आपका है प्रभाविता के नियम पर आधारित है ना, इसको एक शंकर क्रास पर आधारित है बाबू। आज जो द्वितीय और तृतीय नियम है द्वि शंकर, पहला नियम हम आज देखते हैं हम लोग मेंडल के। देखो मेंडल का पहला नियम, मेंडल का पहला नियम जिसका नाम क्या याद है आपको, जिसका नाम है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। क्या कहोगे प्रभाविता के नियम में, तो क्या कहोगे कि यदि हम लोग एक अनुवांशिक लक्षण वाले दो जनकों के बीच में या दो पौधों के बीच में जब संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं इसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस घटना को प्रभाविता का नियम कहता है। जैसे आप प्रभावी लक्षण का डिफिनेशन बताए थे सेम वैसे ही आपका रहेगा। तो क्या करना, देखो यहाँ पर आप एक लंबा पौधा ले लेंगे, क्या लेंगे, लंबा पौधा ले लेंगे, और एक आप कौन सा पौधा लेंगे, बौना पौधा लेंगे। एक लंबा रहेगा और एक कहाँ रहेगा, बौना रहेगा। दोनों के बीच में क्या कराना है आपको, संकरण कराना। तो लंबा के लिए तो आपको याद होगा ना कैपिटल टी, बौना के लिए स्मॉल टी, इसी का उल्टा विपरीत करके लिखते हैं हम लोग। तो संकरण होगा तो क्या बनेगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा बना है, संकर लंबा पौधा बना है, कैसा बना, संकर लंबा पौधा बना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, F1 पीढ़ी। बताओ कौन इसमें प्रभावी लक्षण हुआ, लंबा, तो लंबा आपका प्रभावी लक्षण हो चुका है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं मेंडल का पहला नियम, यानी प्रभाविता के नियम।
जब एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके दो जनकों के बीच में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, या आपका मेंडल का नियम है। आप एक लंबा पुष्प के लिए कैपिटल होता है, कैपिटल टी, मौना पौधा के लिए स्मॉल टी, दोनों के बीच में आपने संकरण कराया तो कैपिटल टी बना, जिससे आपको संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और लंबा पौधा जो प्राप्त हुआ ये प्रभावी होता है, और जो भावना होता है वह प्रभावी होता है, मैंने अपन पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है भावना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। बोले याद हुआ, चलो बता देंगे, कल इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में।